हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाणा पर। स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ रीट जेट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस संबंधी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर तथा संबंधित ग्रुप का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। स्क्रीन पर शो हो रहे मोबाइल नंबर पर आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जिसके नियमित लेक्चर आपको प्राप्त होते रहेंगे। स्टूडेंट्स, तो रीट लेवल टू के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन और दूसरा कीबोर्ड। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो पहले वहाँ से आप ये दोनों वीडियो देख लें, फिर आप आज के टॉपिक जो हम चर्चा करने वाले हैं, निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस। तो आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की, कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, कैमरा, माइक, टच स्क्रीन, स्कैनर, ये सारी इनपुट डिवाइसेज हैं, निवेश युक्तियाँ हैं जो कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजने का काम करती हैं या टेक्स्ट या वर्ड भेजने का काम करती हैं, शब्द भेजने का काम करती हैं। तो वे कंप्यूटर युक्तियाँ जो सीपीयू में डाटा या सूचना प्रेषण का कार्य करती हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें निम्न युक्तियाँ शामिल हैं, तो जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वो युक्तियाँ। इसके अलावा भी बहुत सी युक्तियाँ हैं, जैसे बार कोड रीडर है, ओएमआर है, एमआईसीआर है। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेज ही हैं जिनके आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिर एक बार निवेदन करूँगा, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले पिछले वीडियो देख लें, फिर आज के टॉपिक पर आएँ, जुड़े हमारे साथ। अब पहली बात करें हम कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसकी एक एक की को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कीबोर्ड क्या है, शब्द या टेक्स्ट को टाइप करता है, न्यूमेरिकल डाटा की एंट्री करता है कीबोर्ड। तो ऐसी इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में टेक्स्ट व न्यूमेरिकल डाटा एंट्री करने में काम आती है कीबोर्ड कहलाती है। कीबोर्ड के बात करें हम माउस की, तो माउस में सामान्य जो माउस होता है उसमें तीन बटन, जिसमें एक तो ये सेंटर में स्क्रॉल व्हील बोलते हैं इसको, स्क्रॉल व्हील, और एक होता है इसमें राइट बटन और एक होता है इसमें लेफ्ट बटन। माउस का जो मेन काम है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने का, किसी फाइल को माउस की सहायता से खींचकर यानी ड्रैग करके किसी दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, माउस का यूज़ किया जाता है। तो इसका उपयोग सामान्यतः किसी आइटम यानी फाइल को स्क्रीन के एक स्थान से खींच कर यानी ड्रैग करके दूसरे स्थान पर ले जाने यानी ड्रॉप करने में किया जाता है। सामान्यतः माउस में एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन तथा बीच में एक स्क्रोल व्हील होता है। जब लेफ्ट बटन को दबाया जाता है तो उसे लेफ्ट क्लिक कहते हैं, ये किसी भी आइटम को सेलेक्ट करता है। जैसे मान लो आप कर्सर को गूगल क्रोम पे ले आए हैं, कर्सर को आप लोग गूगल क्रोम पे ले आए हैं, अब आप लेफ्ट क्लिक कर दें तो ये गूगल क्रोम को सेलेक्ट कर देगा, गूगल क्रोम वाला आइकन जो है वो आपको ब्लू कलर का दिखने लग जाएगा। ऐसे ही राइट बटन को जब क्लिक किया जाता है तो या राइट बटन को जब दबाया जाता है तो कमांड की एक पूरी विंडो ओपन हो जाती है। माउस का राइट बटन दबाने पर कमांड की एक पूरी सूची ओपन हो जाती है, जिसमें रिफ्रेश का बटन भी आपको शो होता है। तो माउस में लेफ्ट और राइट क्लिक, तो सबसे पहली बात करें हम लेफ्ट क्लिक की, जिसका काम किसी भी आप कह सकते हैं फाइल को सेलेक्ट करने में या किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में किया जाता है।
तो लेफ्ट बटन को दबाने को लेफ्ट क्लिक कहा जाता है। इससे किसी ऑब्जेक्ट का चयन यानी सिलेक्शन होता है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। राइट बटन को दबाने को राइट क्लिक कहते हैं, इससे कमांड की एक सूची खुल जाती है, तो कमांड की पूरी सूची यहाँ ओपन हो जाती है। और यदि लेफ्ट बटन को दो बार क्विकली दबाया जाए तो वो जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो ओपन हो जाती है। तो लेफ्ट बटन को जल्दी जल्दी दो बार दबाने से, दबाने को हम लोग डबल क्लिक कहते हैं, इससे कोई फाइल अथवा डॉक्यूमेंट खुलता है, वो ओपन हो जाता है। एक बार दबाएं तो वो सेलेक्ट होता है और दो बार क्विकली दबा दें तो वो ओपन हो जाता है। उसके बाद बात करें हम जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक जो है वो जनरली वीडियो गेम या कंप्यूटर गेम खेलने में काम आने वाली इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इसका उपयोग सामान्यतः वीडियो गेम अथवा कंप्यूटर गेम खेलने में किया जाता है। उसके बाद बात करें हम स्कैनर की, तो स्कैनर जो है वो किसी इमेज को स्कैन करता है, किसी चित्र को स्कैन करता है, या किसी आप कह सकते हैं प्रिंट किए गए डॉक्यूमेंट को, जैसे आप आपने प्रिंटर से कोई प्रिंट लिया है तो उसको स्कैन कर सकते हैं, आपके रजिस्टर को स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैनर जो है वो इमेज, चित्र या किसी कॉपी को स्कैन करने का कार्य करता है और उसे डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम कंप्यूटर में आसानी से रख सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कोई रजिस्टर है और वो रजिस्टर संभालना मुश्किल है क्योंकि वो रजिस्टर फट भी सकता है, लेकिन अगर अपने उसको स्कैन करके उसकी एक कॉपी कंप्यूटर में रख ले, सेव करके मेमोरी के अंदर कंप्यूटर की, तो वो आजीवन हमारे पास रह सकती है वो फाइल बिल्कुल एकदम सुरक्षित तरीके से। तो स्कैनर क्या करता है, इसका उपयोग किसी इमेज चित्र को स्कैन कर डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में होता है। इस डिजिटल चित्रों को किसी फोल्डर में सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद करें वेबकैम, तो वेबकैम क्या है, इंटरनेट के जरिए किसी दूर स्थित व्यक्ति के फोटो भी देख सकता है, वेबकैम किसी व्यक्ति को देख सकता है, वो व्यक्ति चाहे हमसे कितना भी दूर स्थित हो, शर्त यही है कि इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो इसका उपयोग कर इंटरनेट की सहायता से किसी दूर बैठे व्यक्ति की फोटो देखी जा सकती है। उसके बाद बात करें बारकोड रीडर, तो बारकोड आपको दिखाई दे रहा है, ये बारकोड जो है, ये बारकोड है और ये बारकोड रीडर है। तो ये बारकोड को रीड कर लेता है, बारकोड को पढ़ लेता है कि बारकोड में क्या लिखा है। इसका उपयोग वर्तमान में सुपरमार्केट या मॉल में किया जाता है, जब कोई सामग्री हम लोग वहाँ से खरीदते हैं, कोई सामान हम लोग वहाँ से खरीदते हैं, तो उस सामान पर बारकोड की एक पर्ची लगी होती है, एक स्लिप लगी होती है, और बारकोड रीडर की सहायता से उसको रीड किया जाता है और वो रेट जो होता है वो अपने आप मॉनिटर पर हमारे को शो हो जाता है। तो बारकोड रीडर, इसका उपयोग वर्तमान में सुपरमार्केट अथवा मॉल्स में किया जाता है। सुपरमार्केट में प्रत्येक सामान पर एक बारकोड लगा होता है, जिसे बारकोड रीडर की सहायता से स्कैन किया जाता है और कंप्यूटर में भेजा जाता है। उसके बाद बात करें हम MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक, चुंबकीय शाही, तो चेक पे जो चेक होते हैं बैंक चेक, उन पे मेनली इस इंक का यूज होता है। पहला जो छह अक्षर होते हैं, पहले छह अक्षर ये चेक संख्या होती है, उसके बाद अगले जो डिजिट होते हैं, अगले जो अक्षर होते हैं, ये MICR कोड होता है, जो विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही से छपा होता है। इस चुंबकीय स्याही को रीड करने के लिए MICR की ज़रूरत होती है। ये MICR इस स्याही को रीड करके ये पता लगा लेता है कि ये चेक ओरिजिनल है अथवा डुप्लीकेट यानी असली है या नकली है। तो MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जिसका उपयोग मुख्यतः बैंकों में होता है, यह खास चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों को स्कैन कर सकता है। इसके द्वारा एक घंटे में हजारों चेक स्कैन किए जा सकते हैं और उस मैग्नेटिक इंक को ये स्कैन करता है। अगर वो मैग्नेटिक इंक ओरिजिनल नहीं है तो ये बता देगा कि वो मैग्नेटिक इंक ओरिजिनल नहीं है, तो फिर वो चेक जो होता है वो डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल चेक नहीं होता।
उसके बाद बात करें हम OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR के बारे में सभी जानते हैं हम लोग, वर्तमान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें OMR भरवाई जाती है। OMR जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ये एक प्रकार का स्कैनर होता है जो उस OMR को OMR शीट को स्कैन करता है, OMR शीट को स्कैन करता है। OMR शीट जब इसके अंदर जाती है तो इसके अंदर प्रकाश बिल्कुल तीव्रता से उस पर गिराया जाता है, प्रकाश जो होता है वो तीव्रता से उस पर गिराया जाता है। जो अक्षर बिल्कुल डार्क किया होता है हमने, जो ए बी सी या डी ऑप्शन हमने डार्क किया होता है वो उस प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और रिजल्ट जो होता है वो आउटपुट डिवाइस पर शो हो जाता है। तो OMR इसका उपयोग मुख्यतः वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में होता है। यह उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को डालकर चिन्हों को पढ़ने में सक्षम है। तो ये उच्च तीव्रता वाले प्रकाश किरणों को उस OMR पर गिराता है, OMR शीट जो होती है उस पर ये किरणें गिराता है, उच्च तीव्रता वाली प्रकाशीय किरणें। तो जो अक्षर हमने डार्क किया होता है वो सारी प्रकाश की किरणों का अवशोषण कर लेता है, तो जिससे वो रिजल्ट जो होता है वो आउटपुट पर शो हो जाता है, आउटपुट डिवाइस पर शो हो जाता है। उसके बाद बात करें हम OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इस डिवाइस की सहायता से, इस इनपुट डिवाइस की सहायता से हम हस्तलिखित अथवा टाइप किए हुए किसी भी पेज को रीड कर सकते हैं, किसी भी पेज को स्कैन कर सकते हैं और उसे डिजिटल पेज में, डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली हम मेमोरी के अंदर जैसे पेन ड्राइव के अंदर उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो OCR इसका उपयोग टाइप किए गए या हाथ से लिखे गए डाटा को पढ़ने में किया जाता है। यह टाइप किए गए या हाथ से लिखे गए डाटा को डिजिटल डाटा में बदल देता है जिससे रिकॉर्ड रखना आसान हो पाता है। उसके बाद बात करें हम लाइट पेन की। लाइट पेन ये स्क्रीन पर चित्र बनाने के काम आता है। तो लाइट पेन इसका उपयोग स्क्रीन पर कुछ लिखने अथवा चित्र बनाने में होता है। उसके बाद बात करें टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें टच स्क्रीन जनरली हमारे से पूछा जाए टच स्क्रीन है तो हो सकता है बहुत से स्टूडेंट वह आउटपुट डिवाइस कराएं, लेकिन टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। जब हम इस पर टच करते हैं तो ये उसको पहचान लेता है कि हमने कहाँ टच किया है और वो उस चीज़ को जहाँ हमने टच किया होता है उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है और फिर आउटपुट पर वो हमारे को शो होता है, ओपन हो जाता है वो आउटपुट के ऊपर। तो जब हम टच करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस होती है। ATM में भी वर्तमान में इसी टच स्क्रीन का उपयोग ही इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग मुख्यतः ATM मशीन हेतु किया जाता है। वर्तमान में जो हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो भी टच स्क्रीन ही है। जब हम इस पर स्पर्श करते हैं तो यह पता लगा लेता है कि हमने किस विषय वस्तु को स्पर्श किया है और उसे आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। किम बॉल टैग रीडर तो ये कपड़ों पर लगा हुआ एक टैग होता है जिस पर छोटे छोटे छेद किए होते हैं, जिस पर छोटे छोटे छेद होते हैं। किम बॉल टैग रीडर कपड़े पर लगा होता है ये, जिस पर छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो वो दुकानदार जो होता है वो इस किम बॉल टैग को उतार लेता है और किम बॉल टैग रीडर की सहायता से वो इस कपड़े का जो वास्तविक मूल्य होता है उसका पता लगा लेता है इस किम बॉल टैग की सहायता से। तो किम बॉल टैग आपके सामने स्क्रीन पर शो किया गया है, इसको रीड करने के लिए एक रीडर की जरूरत होती है जिसे किम बॉल टैग रीडर कहते हैं। तो किम बॉल टैग एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें छेद पंच किए होते हैं। यह मुख्यतः किसी दुकान में कपड़ों पर लगा होता है। इस कपड़े को खरीदने के बाद इसे निकाल दिया जाता है और किम बॉल टैग रीडर की सहायता से इसे पढ़ा जाता है कि क्या वहाँ रेट लिखा है कपड़े के ऊपर। उसके बाद बात करें हम ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल जो है माउस की तरह ही काम आती है। इसके सेंटर में जो बॉल है उसको घुमाकर हम पॉइंटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं,
वर्तमान में ये मुख्यतः चिकित्सीय क्रियाओं में, इसके अलावा CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बनाने में, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इस ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। तो ट्रैक बॉल इसका उपयोग वर्तमान में मुख्यतः चिकित्सा के क्षेत्र में CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन तथा CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। यह माउस की तरह ही काम करता है, केवल फर्क क्या होता है, इस पर लगे बॉल की सहायता से पॉइंटर की दिशा बदली जा सकती है। उसके बाद बात करें हम माइक की या माइक्रोफोन की, तो इसका काम क्या, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। अपने इसमें जो धीरे बोलने वाला व्यक्ति है वो जनरली माइक का यूज करता है, तो वो माइक में अपनी आवाज़ को प्रेषित करता है। माइक एक इनपुट डिवाइस है, ये आगे उस वॉइस को प्रोसेसिंग के लिए भेज देती है और आउटपुट यानी स्पीकर के अंदर ये आवाज़ जो होती है वो हमें ऊंची ध्वनि में सुनाई देती है। तो माइक, माइक्रोफोन, इसका उपयोग आवाज़ की तीव्रता उच्च करने में किया जाता है। यह आवाज़ को ग्रहण कर आगे प्रेषित करता है जो आगे प्रोसेसिंग के माध्यम से उच्च तीव्रता वाली ध्वनि में बदल जाती है। तो जो धीमी आवाज़ होती है वो उच्च तीव्रता वाली ध्वनि में बदल जाती है माइक की सहायता से। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मुख्य मुख्य इनपुट डिवाइसेस। यदि आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो आउटपुट डिवाइसेस के साथ। तो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।